बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उनकी क्या क्या साउंड्स होती हैं, और हमने ये भी बात की थी कि इंग्लिश रीडिंग राइटिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सभी अल्फाबेट की क्या साउंड्स होती हैं, तो अब तक आपको वो लर्न हो जानी चाहिए। तो चलिए हमें क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे ए की साउंड होती है ए, बी की साउंड ब, डी की साउंड द, एच की साउंड ह, आर की साउंड र, एम की साउंड म, एस की साउंड स, वाई की साउंड य और जेड की साउंड होती है ज। बच्चों अगर आपको ये साउंड्स लर्न है तो वेरी गुड, क्योंकि हम ये आगे पढ़ सकते हैं, और जिनको ये साउंड लर्न नहीं है वो पहले साउंड्स लर्न करें और फिर उसके बाद इस वीडियो में आए। अब जब हमने साउंड्स लर्न की थी तो हमने क्या किया था, हमने इंग्लिश की हर साउंड को हिंदी की साउंड से कनेक्ट किया था। जैसे कि हमने क्या किया था, ये पी है, पी की साउंड होती है प, क्योंकि जब हम पी बोलते हैं तो हमें हिंदी का प याद आता है, या फिर अगर हम टी बोलते हैं तो हमें हिंदी का ड याद आता है, यानी हमने हिंदी से कनेक्ट किया था, तो इससे हमें साउंड लर्न हो जाती है बहुत ही आसानी से। अब जब हम रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं तो क्या हम उसमें हिंदी की सहायता ले सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, सभी भाषाओं या लैंग्वेजेस के जो रूल होते हैं वो ज्यादातर सेम ही होते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग पहले सीखते हैं अ, आ, इ, ई, इनसे शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सीखते हैं क, ख, ग, है ना। हम ये सब क्यों सीखते हैं, क्योंकि अ आ इ ई जो है वो अक्षरों के साथ साथ हिंदी की क्या है, मात्राएं भी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, और बिना मात्राओं के हम अक्षर नहीं बना सकते हैं। क ख ग जो शब्द है वो अक्षर बनाते हैं, और मात्राएं जो है उनको अपनी आवाजें देती हैं। जैसे कि अगर मैं क में आ की मात्रा लगा दूं तो ये का बन जाएगा, यानी आ की मात्रा जो है क की आवाज को अपनी तरफ मोड़ देती है। तो मात्राएं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम इंग्लिश में सिर्फ ए से लेकर जेड तक के ही लेटर्स सीखते हैं, हमारे पास अलग से और कोई लेटर्स नहीं है, ठीक है। तो क्या इंग्लिश में ये मात्राएं होती हैं? क्योंकि हिंदी में तो मात्राओं के अलग अक्षर हैं और दूसरे अक्षर अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें अलग से तो कुछ भी नहीं मिल रहा देखने के लिए, तो क्या इंग्लिश में मात्राएं होती हैं? बच्चों आपको ये जान के हैरानी होगी कि हाँ, इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं, लेकिन हम इंग्लिश में मात्राओं को किसी और नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। बच्चों ये पांच लेटर्स हैं हमारे, जो हमारी अल्फाबेट की ही पार्ट हैं। ये जो है इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम वॉवल्स, और यही पांच लेटर्स जो हैं हमारे, यही हमारी इंग्लिश की मात्राएं भी हैं, क्योंकि वॉवल्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की मात्राएं। देखा, जिस तरह से हिंदी में मात्राएं हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। बस ये फर्क है कि हिंदी में मात्राओं के अलग अक्षर हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट के ही जो लेटर्स हैं कुछ, यानी ये पांच लेटर्स, वही हमारी मात्राएं भी हैं, और इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स। बच्चों एक जगह वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी में लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से हमारी हिंदी में मात्राएं हर एक की दो हैं, जैसे कि अगर अ है तो आ है, ई है तो ई भी है, उ है तो ऊ भी है, और इन सब को हम कहते हैं छोटी मात्राएं, और इन सब को कहते हैं बड़ी मात्रा, है ना। इनमें आवाज का फर्क होता है, ई ई, ये छोटी ये बड़ी,
क्या इंग्लिश में, अब जैसे इंग्लिश में हम हर चीज हिंदी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इंग्लिश में भी ऐसा है? क्या इंग्लिश में भी छोटी और बड़ी मात्राएं होती हैं? जी हाँ बच्चों, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है कि हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में भी छोटी और बड़ी मात्राएं होती हैं, लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश की मात्राओं को वोवल्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं छोटी मात्राओं को शॉर्ट वोवल्स, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, और बड़ी मात्राओं को हम कहते हैं लॉन्ग वोवल्स, यानी लंबी मात्राएं या बड़ी मात्राएं। बच्चों आवाज का ही फर्क होता है शॉर्ट और लॉन्ग वोवल्स में, जिस तरह से छोटी और बड़ी में आवाज का फर्क है, उसी तरह से शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स में आवाज का ही फर्क होता है। लेकिन लेटर्स क्या होते हैं, यानी मात्राएं क्या होती है? सेम, ए ई आई ओ यू, यहाँ भी और यहाँ भी ए ई आई ओ यू, लेकिन शॉर्ट वोवल में इनकी आवाजें कुछ और होती है और लॉन्ग वोवल्स में इनकी आवाजें कुछ और होती हैं, छोटी मात्राएं बड़ी मात्राएं, ठीक है? तो क्योंकि हम हमेशा हिंदी में भी पहले छोटी मात्राओं को लेते हैं, तो हम इंग्लिश में भी पहले क्या लेंगे? शॉर्ट वोवल्स। तो चलिए हम अपना पहला शॉर्ट वोवल आ से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वोवल है शॉर्ट, क्योंकि ए बी सी डी ए से स्टार्ट होती है और वोवल का भी पहला लेटर क्या है? ए। तो शॉर्ट ए वोवल हम सीखेंगे। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आवाज पे ध्यान देना है, सिर्फ साउंड पे ध्यान देना है। अब ए की साउंड हमने क्या लर्न की थी? ए की साउंड होती है ए, है ना? तो जहां भी शॉर्ट वोवल्स में जहां भी ए लिखा होगा, हम उसकी साउंड पढ़ते हैं ए। समझे बच्चे? जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा ए और ये टी। अब हम लिख तो ए टी रहे, लेकिन हम क्या बोलेंगे इनको? इनकी साउंड से पुकारेंगे, हम इनको इनके लेटर से नहीं पुकारेंगे। फिलहाल हम इसे कहेंगे ए और इसे कहेंगे ट। अब जब ए और ट को हम जोड़ते हैं एक साथ, बोलते हैं एट, तो क्या बन जाता है ये? एट। इसी तरह से जब हमने लिखा ए और एन, तो हम इसे कहेंगे ए न एन,
जे के साउंड ग, ए के साउंड ए, ग ए, ग ए, गे, और फिर पी के साउंड प, तो क्या बन गया, ग ए गे प गे। कर लीजिए डैम डैम, दो है डै और म डैम। सो है सै सै और प सै। समझे बच्चों? अभी तो हमने इनको वर्ड्स को अलग अलग पढ़ा है, हम थोड़ा इसको एज अ सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये देखिए, बच्चों वर्ड्स के बाद हमें सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं, इसलिए जरूरी है कि पहले हम वर्ड्स पढ़े और उसके बाद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। तो देखिए मैंने क्या लिखा पहला सेंटेंस, अब इसको रीड करेंगे। मैं और ये एक्स, एक्स की साउंड होती है एक्स, तो ये बन गया मैक्स। मैक्स हो है और स हैज, अकेला ए जो होता है उसे हम अ पढ़ते हैं, तो ये हो गया अ। रो है रैट, रैट। मैक्स हैज अ रैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए ये स्टार्ट हो रहा है टी एच ई से, बच्चों टी एच ई होता है द, इसको हमेशा द ही पढ़ा जाता है। आगे देखिए द रैट, रैट। हो एट हैड अ नो एप नैप, द रैट हैड अ नैप। नेक्स्ट अभी देखिए पढ़िए इसे, मू मैक्स, मैक्स हो एट हैड अ फो एट फैट कैट। मैक्स
में बता रहे, ये होते हैं आपके शॉर्ट वोवल्स के थोड़े से सेंटेंसेस। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे बुक से। देखिए क्या लिखा है। पहले लिखा है द, टी एच ई द, मैंने कहा था ना ये हमेशा एक जैसा ही पढ़ा जाता है। उसके बाद लिखा है ट आ टै न टैन, व आ वै न वैन, स आ ट सैट, द टैन वैन सैट। नेक्स्ट देखिए पहले क्या लिखा है, द द ट आ टै न टैन, व आ वै न वैन, स आ सै ट सैट, ऑन ओ एन ऑन होता है ऑन। फिर दोबारा लिखा है द और ड आ डै म डैम, द टैन वैन सैट ऑन द डैम। नेक्स्ट प आ पै म पैम, ह आ हैज हैज, अ ह आ हैट हैट, पैम हैज अ हैट। नेक्स्ट पढ़िए, ड आ डैड डैड, एन एन और एंड में है ड यानी एंड ए एन डी एंड एंड, प आ पै म पैम, डब्ल्यू की साउंड होती है व, व आ वै और एक्स की साउंड होती है एक्स, व आ वैक्स वैक्स, द व आ वै न वैन, डैड एंड पैम वैक्स द वैन। नेक्स्ट देखिए, ड आ डै ड डैड, ह आ हैस हैस, अ क आ कैप कैप, डैड हैज अ कैप। तो बच्चों ये थोड़ा रीडिंग हमने किया, अब हम थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, और हम ऐसे वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। अब बच्चों आपको ये पता चल चुका है कि जिन भी वर्ड्स में ए होती है आवाज, वो शॉर्ट ए वॉवल वर्ड्स होते हैं, यानी उनमें बीच में ए लगा हुआ होता है। अब आप कॉपी और पेन के साथ तैयार रहे, क्योंकि मैं एक वर्ड बोलूंगी शॉर्ट ए वॉवल वर्ड, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के छिपा दूंगी और वही वर्ड आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। फिर हम मैच करेंगे कि क्या हमारा सेम सेम है कि नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट। वर्ड है टैग। क्या कहा मैंने? टैग। चलिए अब तक आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं आपका सही है कि नहीं। ट आ टैग और ग टैग, जिन भी बच्चों ने सही सही लिखा उनके लिए, और जिन बच्चों का थोड़ा गलत हुआ है बच्चों, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नैब। क्या बोला मैंने? नैब। लिखिए वन टू थ्री। चलिए अब अपना अपना शो करते हैं। न आ नैप और ब नैप। जिसका सही है उसके लिए, और जिनका रॉन्ग हो गया अभी भी, उनके लिए हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए सैड। क्या
क्या कहा मैंने? सैग। चलिए लिखिए फटाफट से, 1, 2, 3, 4, 5। अपना अपना शो करते हैं। सैग कहा था ना मैंने, सै। सै कैसे बनेगा? स ए सै। और गो कैसे बनेगा? जी। अब मुझे लगता है सब बच्चों का सही होगा, तो वेरी गुड। अब क्या कहते हैं, एक और प्रैक्टिस करें? चलिए लास्ट हमारी एक और प्रैक्टिस। वर्ड है आपका पैन। क्या वर्ड है? पैन। चलिए ओके लेट्स शो। देखिए बच्चों क्या है पैन का था ना मैंने, ब बै और न। अब तो सबका सही होगा, तो अब सब आपने अपने लिए क्लैपिंग करिए। और बच्चों आज हमने शॉर्ट ए वॉवल वर्ड से स्टार्ट किया है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में एक एक वॉवल अलग अलग लेते जाएंगे और आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।